CNM भारत लाइव आपको रखे आगे। मामला जनपद जालौन के सिरसा कलार थाना क्षेत्र के ग्राम जुगराजपुरा के जंगल से सामने आया है, जहां दो अधजले शव बरामद होने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। देर रात सिरसा कलार थाना पुलिस को सूचना मिली कि जंगल में कुछ अधजले शव पड़े हुए हैं। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस हमराहियों के साथ मौके पर पहुंची और उन्होंने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा अधजले शवों की फोटो उच्च अधिकारियों तथा सोशल मीडिया में वायरल की तो दोनों मृतकों की पहचान रशीद पुत्र बशीर 24 वर्षीय तथा नसीम पुत्र शेर खान 18 वर्षीय निवासी गढ़ उरई के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों मामा भांजे हैं और पिछली 30 अप्रैल से लापता थे। अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये है कि आखिर ये दोनों यहाँ कैसे पहुंचे और किसने इन दोनों के शवों को जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घटनास्थल की ओर आला अधिकारी तथा फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एवं फॉरेंसिक टीम रवाना हो गई है। कौन लापता है तुम्हारा? हमारा भाई लापता है, भाने जी लापता है। कब आए थे आप कोतवाली? 30 तारीख। फिर क्या हुआ? उनने हमारी रिपोर्ट नहीं ली। फिर बोले यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने चले आए आप, इन्हें लापता करा, आप रिपोर्ट लिखवाने चले आए यहाँ पे। ठीक है, दिया हम। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ ये है कि आज उनने रात में बुलाया 10 बजे हमको कि यहाँ पे आओ कोतवाली, तो हम आ गए थे। तो फिर हमें जो वहाँ लगवा गए चुरकी रोड पे, तो वहाँ पर हमको मतलब लाशें मिली। दोनों की लाशें कैसी मिली? जली भाई, जली हुई। कोई पहचान में नहीं आ रही है, सिर्फ उसकी जूते पहचान है। वो हाथ में कड़ा पहना था, तो से हाथ को कड़े से हाथ में कड़ा पहना था, तो हाथ कोई कड़ा पहचाना।